अरे दिन में चंदा मामा नीचे कैसे उतर आए? भाई वाह, कितनी सुंदर लग रही है। और इस गांव में पहली बार जींस टॉप पहन के चश्मा भस्मा लगा के, मुझे लगता है इस गांव में या तो कोई योजना लेके आई है या फिर कोई है, इनसे बात की जाए। अरे 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 भैया, कौन हो तुम? अरे हम तो इस गांव के नागरिक हैं। अच्छा ये बताओ, आपको मैंने पहली बार देखा है चश्मा लगा के, बैग टांग के और जेका जेका पहन के आई है, शेर की खाल क्या है? लगता है ऐसे कपड़े कभी जिंदगी में देखे नहीं है शायद। बस यही तो बात है। मुझे ये तो बताओ, आप आए कहाँ से हो? ये बताओ। कहां से हूं? हाँ? अपने घर से आई हूँ, कहीं आसमान से तो आई नहीं। अरे घर से तो हर कोई आता है, पर जगह का नाम पूछ रहा हूँ। तो तुम इस गांव में पहली बार दिख रही है, तो इधर कहाँ से आई हो ये बताओ। अरे ठीक है बताती हूँ। मैं लुधियाना से आई हूँ। लुधियाना से आई हो? अच्छा अच्छा, लुधियाना से आई हो तो यहाँ का यहाँ क्या मतलब, यहाँ गाँव में आने का? गाँव में आने का? इस गाँव में मेरी दीदी की शादी हुई है। तुम्हारी दीदी की शादी? जी। अच्छा, और मैं अपनी दीदी के पास आई हूँ। तो इसका मतलब तुम इस गांव की साली हो? हाँ साली हूँ। तो पहले ये बताओ, तुम्हारे जीजा गांव की नहीं, अपने जीजा जी की साली? अरे तो जीजा जी भी तो इसी गांव में रहते हैं। तो अरे तो पूरे गांव की थोड़ी ना साली बन जाऊंगी। तो पहले ये तो बताओ, तुम्हारे जीजा जी का नाम है क्या? इस गांव में रहते हो और फिर भी तुम्हें अपने गाँव के लोगों का नाम की नहीं पता? तो अरे वही बात, अब इस गाँव में निरे लोग रहते हैं, अब तो सारे के सारे सब तुम्हारे जीजा जी हैं। मेरे जीजा जी के नाम पप्पू। पप्पू? पप्पू। अरे उनके पिता नाम मत बिगाड़ो मेरे जीजा जी का। पिताजी का नाम बताओ उनके। राम प्यारे। अच्छा राम प्यारे, वो भैंस वाले? हाँ भैंस वाले। अरे उन वो जो भैंस जो उनके घर में बहुत सारे? अभी तो कह रहे थे मैं किसी को जानता नहीं। अरे अब कैसे जान गए? अरे राम प्यारे एक नंबर के झूठे आदमी, और वो तुम्हारा क्या? वो तुम्हारा जो जीजा पप्पूआ, वो अंगूठा छाप घस खुच्चा। अरे तुम मेरे जीजा जी की बदनामी कर रहे हो। बदनाम तो वो पहले से ही है, उसे कौन सा बदनाम करेंगे हम? क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। वैसे अगर तुम पप्पूआ की साली हो तो साली तो हमारी भी है फिर हिसाब से। तुम्हारी किस वास्ते साली बन गई मैं? इस वास्ते साली हो कि पप्पूआ हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है। अच्छा। हाँ, और आजकल उसके पापा ने पता नहीं कहाँ भेज दिया उसे बाहर, पता नहीं कहाँ वो करने काम करने चला गया है। अच्छा इस बात की तो हमें पता नहीं, पर कहाँ गए होंगे? तुम्हारी तरह फालतू तो घूम नहीं रहे होंगे। गए होंगे तो कहीं काम से गए होंगे। सुनो ठीक है, इतनी देर बात करते करते हो गई। अब ठीक है ये बता दो क्या है कि मेरे जीजा जी का घर कौन सा है? इसी बात के चक्कर में हम खड़े थे, तुम इतनी दूर से आई हो और हमसे जीजा जी का घर पूछ रही हो, हम नहीं बतावे तुम्हें तो घर तक छोड़ के आएंगे। तो चलो फिर, तुम कहो तो बेड पे बैठा के आएंगे। चलो 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 चलो, आओ आओ इधर आओ। देखो सुनो, ये जानवर देखा था मैंने। हाँ? ये देखो क्या है इसका नाम, ये लंबी सी नार है, इसके लंबे लंबे पैर। हाँ, और ये भी लंबा है खूब। कोई जानवर है लेकिन ये है क्या चीज? ये शहर में नहीं होगा। अब मुझसे पूछो कौन है ये, उसका नाम क्या, मुझसे पूछो। हाँ तो बताओ ना। इसका नाम है ऊंट। ऊंट? ऊंट देखा है ऊंट तुमने? तुमने कहाँ से देखा होगा? देखो ये कितना लंबा था। देख तो रही हूँ ना, है ना। अब देखो सुनो, तुम्हें पता है ये क्या करता है? क्या करता है बताओ। इसमें सवारी भी कर लो, इसमें कोई हाँ कोई वो भी ले आओ, कुछ लेके आना हो तुम्हें। और तुम्हें अच्छा, पता अच्छा। ये कितना दूध देता है? दूध? हाँ ये दूध भी देता है। अरे क्यों नहीं, तुमने दूध देते हुए देखे नहीं? देखे ऊँट कितना दूध देते हैं? अरे मैंने नहीं देखा। 20 लीटर तो दूध निकालते हैं ये। 20 लीटर? 20 लीटर। और ऊँट का दूध पी के ना बच्चा जवान हो जाए, बुढ़ा पहलवान हो जाता है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऊँट दूध देता है। ऊँट दूध देता है? तुमने पिया नहीं? दी गए पहलवान है तुम्हें। चलो आगे चलो और दिखाता हूँ जी। पर इस पे तो पूरी जंग लग रही है। वो जंग लग रही है ऐसा, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। नए नए ट्रैक्टर आ गए, पर सुनो ये आज भी 1 लाख रुपए में बिकने के लिए खड़ा है। आज भी इस लोहे हुए जंग को कौन ले लेगा? कौन लेगा? लेने वाले निरे पड़े हैं। अगर तुम अभी लगवा दो, अबे इसके मांग रहा है वो 2 लाख, लेकिन 1 लाख रुपए में लग गई इस कवाड़े के। अरे इस कवाड़े के, इस कवाड़े में खासियत है तुम्हें नहीं पता। कौन पागल होगा जो इसके 2 लाख रुपए देगा? अरे तुम सुनो एक बात बताओ,
अब देखो एक चीज वो करो कि तुम्हारा शरीर है, अब शरीर आप बाहर से चाहे कैसा भी हो लेकिन अंदर की जो पाचन पचाने की जो क्रिया है हमारी वो तो अच्छी होनी चाहिए ना, इसीलिए इसका जनरेटर बहुत अच्छा है। अरे वो तो पता है, ट्रैक्टर बोलते हैं लेकिन ये खबाड़ा कह रहे इसके 2 लाख रुपए। 2 लाख कैसे का, 20,000 रुपए भी नहीं दिया। कैसी बात कर दी तुमने। अच्छा अरे तुम इस ट्रैक्टर को छोड़ो, मुझे घर लेके चलो, मेरे तो पैर दुख रहे हैं। अरे रुक जाओ, आ गई है, आ जाएगा। चलो चलो आ जा आओ। चलो चलो और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज दिखाता हूँ तुम्हें। नमस्ते। अरे आप तो इस गांव में नई नजर आ रही हैं। अरे ये कौन है? ये बुढ़ियाल है हमारे गांव। अरे बुढ़िया होगा तू, बुढ़िया तो हमारा बाप भी ना। अभी हाँ अरे मुझसे बोला तुम, किसका पता पूछ रही हो? अरे मैं जा रही हूँ, पता पूछने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये तुझे पता है कौन है? कौन है? मेरी साली है। तुम्हारी साली है? हाँ। तेरे बाप की शादी ना हुई, तेरी साली कहाँ से हो जाएगी? अरे इनकी साली नहीं, मैं अपने जीजा जी की साली। नाम बताओ जीजा जी का नाम। एक मिनट तुम चुप रहो। हाँ भाई नाम बताओ जीजा जी का। पप्पू। पप्पू हाँ। अच्छा कहाँ है पप्पू? अच्छा ठीक है पप्पू। घर कहाँ है? कहाँ है घर? इधर कहाँ ले जा रहे? इधर लेके जा रहा हूँ ना। इधर कहाँ है? इधर घर कहाँ है पप्पू का? अच्छा पप्पू का घर तो बम्बे पे है। बम्बे पे? और झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसने पौआ पी रखा है। बीड़ी पी के आया है? ना भारी है, भारी है। नशा करते हैं? ना है, नशा बिल्कुल नहीं करता। अच्छा है कथा ही नहीं। अरे कादर खान वाली देखो ऐसा है, चलो ये पागल हो गए हैं, हमारे ये गांव के ताऊ हैं और इनके चक्कर में मत आओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। अरे काले यार जबरदस्ती। अरे गांव उनका घर है बम्बे पे। बम्बे पे? ये क्या कह रहे हैं यार, काय को खामे खा की खिचड़ी पका रहे हो? बम्बे पे कहाँ है घर? अरे कोई अंत लेकर जा रहे हो क्या? नहीं, ये अंत ले जा रहा है, ये तुम्हें घुमाएगा गाँव में, ये पागल बना रहा है। नहीं मैं तुम्हें सही जगह लेके चल रहा हूँ, तुम चलो। तुम मेरी बात का यकीन? तुम मेरी साली पे यकीन करो? अरे तुम मेरी साली हो, इसकी ना देखो तुम इसकी ना। मैं किसी की साली वाली नहीं हूँ, ठीक है? इसके साली ये हमारे गांव के बराबर का है, इसे तो गांव के बारे में ही ना पता। अरे बिल्कुल मैं हाँ। कौन सा किसका काम है? इस गांव में आके तो मेरा दिमाग है। हमारे गांव के बराबर का मुझे तो लगता है कहीं अंत लेकर जा रहे हो। मेरे साथ चलो तुम, मैं हूँ तो मैं लेके चलूंगा तुम्हें, चलो चलो। अरे वो कह रहे हैं कि मतलब बम्बे पे घर है। चलो तुम जाओ। अरे एक काम करो, तुम अपना रास्ता आप और उन्हें बेवकूफ मत बनाओ, तुम हमारी साली हो या कि कोई ना। ठीक है तुम चल, मेरे चल, साथ चलो। अरे रुक जाओ, इसके साथ मत जाओ। अरे भाई ये बुड्ढा पता नहीं कहाँ ले जाएगा तुम्हें, पहुंचा देंगे। वो तो तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है। और देखो ये ना, ये सामने ये हमारे बाग है, देखो ये अमरूद का बाग है, ये आम का बाग है, और देखो इसमें लीची के पेड़ भी हैं। अच्छा। और देखो इसमें जामुन के और सब है इसमें, और देखो नारियल पानी भी है इसके अंदर। दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा तो हम ये सोच रहे कि तुम हमारे बाग में चलो और कुछ खा पी लो, देखो तो पहुंचा तो देंगे। तुम्हारे बाग में ना फुर्सत से आऊंगी, क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, और फिर जब से आई हूँ तब से इस गांव में पैदल ही पैदल चले जा रहा हूँ। मेरे पैर दुख चुके हैं, पहले मुझे मेरे जीजाजी के पास पहुंचा दो, मेरी दीदी के घर पहुंचा दो। हाँ तो मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ देर तुम थक गई हो और तुम चलते चलते उसने परेशान करके रख दिया, मैं चाह रहा हूँ मेरे बाग में बैठ के आम चूसो, लीची खाओ। हाँ तुम्हारे जामुन खाओ, अमरूद काट के लाऊंगा कल, लाऊंगी कल। हाँ, और सुनो उसी के आगे चल के खेती है हमारी, वहां पर देखे इस टाइम क्या मालूम है क्या क्या हो रहा है? क्या? खरबूज है, तरबूज है, ये ठंडी ठंडी चीजें मिलेंगी तुम्हें खाने को। ठीक है। और सुनो वो भी रखा है मटका। अच्छा? मैं हाँ ठंडा ठंडा पानी पीना, और एक चरपाई पड़ी है। अच्छा। और वहाँ पर चादर पड़ी हुई है, आराम से सोना लेटना। अच्छा। और विश्राम करके आराम से चलेंगे। तुम्हारा ये बिस्तर, तुम्हारी ये लीची, ये आम वगैरह सब खाऊंगी, वो मैं कल खाऊंगी, ठीक है? लेकिन जल्दी से मुझे अब मेरी दीदी के घर पहुँचा दो। अरे हम तो पहले मैं उससे मिल लूं और घर जाके थोड़ा आराम कर लूं। नहीं मैं ये सोच रहा हमारे बाग में आराम करना। नहीं नहीं यहाँ आराम नहीं करना मुझे, अपनी दीदी के यहाँ आराम करना। मैं देखो तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो रहा है, देखो। हाँ हो गया ना। हाँ, तो मुझे मेरी दीदी के घर पहुँचा दो जल्दी से। चलो दीदी के घर मत जाओ, तुम हमारे बाग में चलो थोड़ी देर। आऊंगी कल, आऊंगी ना, अभी पहुँचा दो मुझे। चलो चलो दूंगा, चलो चलो। अरे चलो बाग में चलो तुम हमारे साथ, बाग में मौज लेंगे। अरे राम राम बहन जी। राम राम भैया। ठीक और बढ़िया? बढ़िया। एक बात बताओ मुझे, आप तुम मिल गई तो वो ठीक रहा। ये बताओ तुम्हारी कोई बहन है? मेरी बहन? सुंदर सी, बढ़िया सी, गट्टी सी। हाँ है तो सही है बहन। हाँ वो बढ़िया कपड़े पहनती है, है मॉडल है वो। कैसी है? मॉडल है वो। मॉडल है? मुझे नहीं पता। अरे मॉडल है, हीरोइन है। अरे हीरोइन है? हाँ। सुनो तुम्हारी बहन गाँव में आई हुई है, और तुम्हें पता है लेके कौन घूम रहा है उसे? कौन? तोता। हाँ? हाँ? तोता लेके घूम रहा है, लोग घूम रहा है। हाय दैया
बताओ, बड़ा दिमाग खराब। मैंने लेके आ रहा था, मुझे मिली नहीं पहले। तो मुझे ये बताओ उसके हाथ में से तुम क्यों ना लेके आए? अरे मैं घर लेके आ रहा था, वो उसके बहकावे में आ गई, वो उसके साथ चली गई। मैंने उनको खूब समझाने की कोशिश करी। चलो मुझे ले चलो उसके पास। मैं कहां से ले चलूं, मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलो चलते हैं दोनों जने, देखते हैं। मुझे लगता है मैं घर पहुंचूंगी नहीं। नहीं नहीं, अरे पहुंचो। और देखो ये जो सामने बकरी है ना, हाँ। ये हमारी बकरी विदेशी है। ये अच्छा? ये 30 लीटर दूध देती है। 30 लीटर? 30 लीटर बकरी दूध देती है? हाँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हें पागल बनाने के लिए कि सिर्फ मैं ही मिलूंगी। ना ना ना, किसी शहर की लड़की है, इसे पागल बना लो। ना ना ना, तुम समझ ना रहे, ये काजू बादाम भी तो खाती है, काजू बादाम खिलाते हैं। सर काजू बादाम? हाँ। तुम भी बहुत खाते होंगे काजू बादाम। और देसी घी में चुपड़ के खिलाते हैं काजू बादाम। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या? हाँ। और डंडे में दम इस गांव में तो बकरी तो क्या, ऊंट भी दूध देते हैं। अच्छा ये तो बता, कौन कह रहा? कौन कह रहा? हाँ। जिसके पास तो मुझे लेकर आए थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रहा था? अरे वो तो चूतिया है, पागल है वो। पागल है वो? और मुझे तो तुम भी पागल। किसकी बात? हम तुम्हें पागल नजर आ रहे हैं। हमने तुम्हें आम के पेड़ दिखाए। हाँ। अपने बाग के। वो भी तो दिखा रहा था। वो भी दिखा रहा था, कभी ट्रैक्टर दिखा रहा था, कभी कुछ दिखा रहा था। तो पागल है फिर भी। तुम दिखा रहे हो तो तुम भी पागल। कुछ भी सही, कुछ भी सही, स्मार्ट हो तो। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर ला रहा हूं। आजा आजा, मैं तुम्हारे घर ला रहा हूं। तुम्हारे घर से कितनी दूर है ये? कितनी दूर है? तोते बिन पंख के तोते, अरे बगैर हरे तोते, नीले तोते। ये बता मुझे, मेरी बहन के साथ क्या कहो, क्यों बेब को बना रहा था? मैंने गलती कर दी। अरे तेरी अम्मा को लेके भाग जाए मेरा बाप। सही बताऊं तो पूरे 2 घंटे से घुमा रहा है ये आदमी मुझे, 2 घंटे। अरे मेरे पैर दुखने लगे। और तुम्हारे घर से कितनी दूर है ये जगह, कहाँ लेके आया ये? देखो क्यों क्यों कर रहा था ये बता पहले, क्यों घर उधर है और जहाँ देखे घूम रहा। ऐसे कर रही इसके एक लात मारू खींच के। लल्ला कहाँ मार रही हो? अब सुन तो ले, बता रही हूँ मुझसे पहले ये घुमा रहा। मैं तो ले जा रहा था। अरे ये लड़का ऐसा नहीं है, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा है इसके ऊपर? भरोसा है इसके ऊपर, पूरा भरोसा है। अरे ये कहीं और ले जा रहा हूँ, चोर कर देता तो। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा बुड्ढे, तू करके। अरे ना मैं ना कर रहा, मैं तो तेरे घर पे ही लेके आ रहा हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम करो, इसे कोपचे में ले जाकर मारो। कोपचे में ले जा, चल बुड़ला। तुम इस गाँव में कैसे रहती हो? इस गाँव के आदमी है या जानवर? क्यों क्यों? अरे अब कोई बात नहीं, 3 घंटे से मुझे घुमाते घुमाते, पहले वो घुमाता रहा 1 घंटे, 2 घंटे से वो घुमा रहा है। तो बड़ी गलती तो मैं तेरी मानती हूँ। मेरी? हाँ, पहली बार क्या गलती है? चुप रहा, पहले मेरी बात सुन। जब तू आई रही तो ये कपड़े पहन के आने की जरूरत क्या, तेरे सूट सलवार पहन के आती? अरे इन लोगों के लिए तो ये खिलौना समझते हैं, ये गाँव वाले पढ़े लिखे तो है नहीं। और फिर दूसरी बात, तुझे फोन करके आना था ना। दीदी तुमको तो पता है ना मैं सूट सलवार कब पहनती हूँ, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। जब तेरे जीजा जी यहाँ नहीं रहते तब लोग ही इनका रुतबा चलता, तेरे जीजा जी आए ये चूहे के बिल्ले में घुस जाते हैं। दीदी मुझे क्या पता था, मैं तो आज पहली बार आई हूँ। चल कोई बात नहीं, जब आगे से आया कर तो फोन करके आया कर, और ये लिबास मत पहन के आया कर यहाँ इनके लिए। ये बहुत ही समझ ले, एक बावर गाँव में ऊँट आ गया, ऐसा करते हैं लोग। तुम्हें तो पता है ऐसे चक्कर बनाएंगे तुझे। अच्छा दीदी तुम एक बात बताओ। बोल। ऊंट दूध देता है? ऊंट? हाँ। ऊंट का को दूध देगा? ऊंट का कोई भैंस है? अरे दीदी वो तो आदमी ये कह रहा था कि ऊंट दूध देता है 20 लीटर। 20 लीटर? हाँ। मुझे पता है वो तुझसे मजे ले रहे होंगे, और कुछ ना इनके इनके दूध मैं निकलवाऊंगी हरामजादों के अच्छी तरीके से, ठीक है ना? अच्छा जी बताओ बकरी कितना दूध देती है? बकरी गाय को कितना दूध देगी? दूध देती है ना बकरी? देती तो है, लेकिन उसके तोल फोल का नहीं पता मुझे कितना देती है, मेरे यहाँ तो भैंसे रहती हैं। अच्छा अच्छा, और क्या? चलो तो तुम घर पे चलो। चल अब आगे से ऐसे मत आइए उन पागल कुत्तों के यहाँ। पानी ले आऊं? हेमा, ए हेमा। हाँ दीदी। देख सुन मैं जा रही हूँ जरा पानी लेने। पानी लेने? हाँ सुन तो ले। क्या पानी बाहर से लाना पड़ता है? बाहर से ही लाते हैं पानी, यहाँ मीठा पानी आता नहीं है, समर का ऐसा ही पानी है गाँव में से। मतलब मीठा पानी है ही नहीं यहाँ? नहीं है, मैं ये कह रही हूँ घर का आराम से अंदर से कुंदी उंदी लगा कर रखी। अच्छा ये बताओ कौन सी जगह से लाती हो पानी? नल पे से। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। ला तो मैं लेके आती हूँ। ला
अब मैं आ गई, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी। तू तू क्यों लेके आएगी? अरे ओ, अरे पागल, अरे दीदी अब आपकी बहन हूँ मैं। तो बात सही है, लेकिन ये शेर की सी खाल उतार दे तू, ये क्या पहन रखा है तूने? दीदी ठीक तो है, तो उस पे कुत्ते वुत्ते लग गए ना? ओ सही बता रही हूँ, तो और कुत्ते? अरे इस गांव के इंसान और कुत्ते एक जैसे ही हैं। अच्छा हाँ, इस गांव के इंसान कुत्ते जैसे हैं? अरे सेम टू कॉपी है दूसरी, ये समझ ले। चल तू जा ही रही है, तो आराम से देखभाल के जाइए। हाँ मैं ले आऊंगी। किसी से मुंह मत लगाइयो, रास्ते में किसी से बतलाइयो मत। ठीक है ठीक है, नहीं चुपचाप आइयो, मैं लेके आती। ठीक है जा, जल्दी आइयो। जिंदगी में मोहब्बत कभी होती है जिंदगी है। कुत्ता, अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा। अरे भाग लो, अरे रुक जा रुक जा, मैं तेरी दाई मारे रुक जा। अरे ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। अरे तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही, ये गलती कुत्ते की नहीं है, गलती तुम्हारी है। मेरी? तुमने कुत्ते की खाल पे, तुमने वैसी खाल पे रखी है, क्या पे रखा है भूत वाली? अरे ये कपड़े हैं। अरे ऐसे कपड़े होते हैं? अरे गलती उसकी नहीं है, जो तुमने बिल्लो की खाल पे रखी, सॉरी बिल्ली की खाल पे रखी है। बिल्ली की खाल? हैं? अरे अरे तुम वो पता है तुम्हारे पीछे नहीं, वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है कुत्ता। मतलब मेरी इस यूनिफॉर्म के पीछे? क्या, कौन सी फॉर्म? यूनिफॉर्म मेरे कपड़े। अच्छा तुम्हारे कपड़े? हम तो हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मत बोलो। तुमने क्या, तो तुम्हारे पास लठिया थी? हाँ डंडा था हमारे पास, इसकी वजह से वो भाग गया। नहीं तो मुझे छोड़ता ही नहीं, आज खा ही जाता मुझे। आज तुम्हें खा ही जाता कच्चा। वैसे भी तुम हो इतनी सी है, नेक्सी सी, वो एक झटके में तुम्हें अंदर। और क्या, इस गाँव के कुत्ते इतने खराब है, क्या खा जाते हैं? बहुत कर रहे कुत्ते हैं। मुझे एक बार बता, तुम यहाँ मरवे काहे को आ गई? क्यों निकली तुम घर से? क्यों निकली? अरे मैं तो पानी लेने आई थी। तुमने किसने बोला पानी के लिए? अरे किसी ने नहीं बोला, वो दीदी पानी लेने आ रही थी, तो मैंने कहा दीदी। अरे जब तुम्हें पता है तुम्हारे कपड़े इतने बहुत सुंदर पहन रही हो तुम, जैसे कुत्ते पीछे पड़ेंगे तुम्हारे, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। अरे तो मुझे क्या पता था मेरे कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे? हाँ चलो, शहर में तो ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, यहाँ के कुत्ते ऐसे ही है, ऐसा है। चलो तुम, मैं पानी भरवाता हूँ। चलो ठीक है ठीक है, चलो आगे आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ कुत्ते को देख के। अरे आ मत जी, ये आ गया नल, भर लो पानी जी। जाओ, इतना बड़ा नल? इतना बड़ा नल? ये कैसा नल है? तो तुम्हारे यहाँ तो छोटा सा नल होता है। अरे मैंने इतनी बड़ी टंकी देखी है। टंकी? हाँ ये नल है। अबे ये नल बहुत बढ़िया, ये नल ऐसे चलेगा, देखो चला चला जाओ। ऐसे कैसे, मुझे नहीं आता। अरे भाई तुम्हें क्या आता, तो डंडा तो पकड़ना आता है। अरे हाँ। चलाते हैं? हाँ। अरे ये यूं कैसे चलाते, हमारे तो टोटी खोलते हैं ऐसे। हाँ ऐसे तो पानी आ जाता है। अरे वो टोटी है, ये टोटी नहीं है, तो डंडा पकड़ो, मैं भर के लाऊं पानी। हाँ पानी तो यार तुम बड़ी सीधी हो, तुम्हारी कसम, कुत्ता देखती ना डंडा तो भगा। कैसा गाँव है, इस गाँव में आके तो मैं फंस गई सच में। दीदी पता नहीं कैसे रहती होंगी ऐसे गाँव में। संभाल के पकड़ो, लाओ डंडा लाओ उधर। अरे तुम्हारा भगवान भला करे, एक हाथ से मत पकड़ो, एक हाथ से पकड़ लो भी पानी। रुको रुको रुको, तो अब तो ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा दम है तुम में, अब ठीक है। मैं पानी लेके जाती हूँ। जाती नहीं है, मैं छोड़ के आऊंगा। चलो घर तक। और क्या, हाँ ठीक है ठीक है, अगर कुत्ता फिर से पीछे पड़ गया तो लगता है पानी भी फैल जाएगा। पानी तुम्हारे ऊपर, तुम पानी के नीचे आओ। वजन होते इनकी कैल्शियम, भाई पानी भर के लाइए। पकड़ो, अरे ला मुझे पकड़वा दो, पहुँचा दे इन्हें, पकड़वा तुमको तो घर पहुँचा दो। पकड़ो पकड़ो इनकी सकल, रुको चलो रुको, लो कलसिया को रखो। जान हाजिर है, तो आए लिए था जान हाजिर है, जान हाजिर है। चलो चलो चले, अब चलो चलो, बीच में चलो तुम। तुम कहाँ जा रहे हो? पानी में फैल जा के कहाँ जा रहे हो? पानी में फैलेगा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ने कुत्ता पीछे पड़ गए इनके। अरे वो तो मैं बचा लूंगा। चलो, अरे आजा बड़ला, अरे इधर ला, देखो अरे तुम मेरी बगल में आजा साली जी। अरे सुनो इधर आजा साली साहिबा, सुनो ये हमारे गाँव के सबसे पुराने रड़ुआ है। सबसे पुराने रड़ुआ? ये रड़ुआ किसको बोलते हैं? अरे इनकी शादी ना हो गई। और इनकी शादी हुई नहीं? अच्छा शादी ना हुई है। तुम्हारी हो गई है? मेरी भी नहीं, इनकी ना हुई। अरे तो तुम भी रड़ुआ हो? तो मेरा रड़ुआ ही है, और कौन है? एक बात बताओ, हा? कि अगर हम दोनों में से अगर तुम्हें कोई पसंद करने के लिए बोले तो तुम्हें पसंद कौन आएगा? मुझे? हाँ जो मेरा काम करेगा वही पसंद आएगा। देखो मेरा कितना इतना वजन सिर पे रख के ले जा रहे बेचारे, तो मुझे तो ये मतलब कि जे तो पसंद। अरे 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 तुम रट जा, अब तुम जा फाइनल है। तू रट जा, हां तू रट जा। मतलब हम उल्लू के बट्टा हैं, हम पानी भरवा के हम लाए, कुत्ता खावे तो तुम्हें बचाया हमने, और कुत्ता खाया टुकड़ा कर दे तो नहीं नहीं ये थक गए हमने तो बचाया। रुक जा बड़ा, ए
फाइनल है गई, तुम जाओ। अच्छा, अच्छा तुमने पानी भरवाया? अरे हवे तुम मेरे साथ चला आ जा। अरे रुको रुको, काम तो तुमने बहुत किया, मुझे कुत्ते से भी बचाया और नल चला के मेरा पानी भी भरवा। तुम इधर ध्यान दो, मैं तो तुमसे शादी कर लूँ। पानी दे, फैला दूंगा। अरे चलो चलो, पानी ले लिया। चलो चलो, अरे तुम मेरे साथ चलो। अरे अरे जाओ जाओ, ए आ जाओ। अरे जाओ, ए आ जाओ, हम रेडी है। ए आ जाओ बुढ़ाई। चलो तुम ना होते तो मेरा पानी भी नहीं आ पाता। बुलाओ दीदी। दीदी आ हां भैया, ये दीदी पानी उतरवाओ, बहुत भारी है। तो पानी उतरा। ओह रुको एक मिनट, मैं अभी आ रही हूं। मैं जरा ये समझ लो, बड़ा थक गया हूं मैं तो, दर्द होने लग गया मेरी बाजू। बहुत भारी था। क्यों लेके आए पानी? क्यों लेके आए? तुझे तू गई। तुमने अपनी बहन को भेज के बहुत बड़ी गलती करी। क्यों? अगर मैं नहीं होता तो इनको फाड़ के टुकड़े करके खा जाता कुत्ता। है कुत्ता पीछे पड़ गया ना? दीदी मेरा कुत्ता पीछे पड़ गया था। अरे कुत्ते जैसे कपड़े पहनेगी तो कुत्ता ही पीछे पड़ेगा ना, और शेर पीछे पड़ेगा। अरे दीदी मुझे क्या पता, ये कुत्ते जैसे कपड़े कहाँ से दिख रहे हैं? मैं तो पागल हो गई। पागल हुई नहीं मैं, तू तुझे लग रहा है ये मॉडल कपड़े, लेकिन यहाँ के कुत्ते और गांव वाले एक जैसे हैं। चुप, हम भी रहते हैं गांव में। ये बताओ गांव वाले में अर्रा रही, तुमने अपनी बहन को समझाया कि बिल्लों के कपड़े पहनने हैं? दांत फाड़ रही खड़े खड़े। एक बात बता, जब कुत्ते जैसे कपड़े पहनेगी तो कुत्ते ही चुपटेंगे। और फिर दूसरी बात, मैंने तुझसे क्या कहा था, इस गाँव के लोग कुत्ते में, गाँव के लोगों में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। गाँव के लोगों का कुत्ता बड़ा। चुप, एक बात बताओ, तुमने जब अपनी बहन को ऐसे बिल्लो जैसे कपड़े पहना रखे ने, क्या एक बात बताओ, कुत्ता क्यों पीछे नहीं पड़ेगा इसके? मुझे तो हंसी आती तुम्हारी बात पे। खेपड़े खेपड़े फरा लो दांत। अरे यार तो मुझे एक बात, बिल्लो जैसे नहीं है। कैसे हैं? जो झुंझुना से लटक रहे हैं क्या? मैं जब से आई हूँ मेरे कपड़ों के पीछे पड़ गए हो। कोई बात नहीं, चुप हो जा। मैंने तुझसे मना किया था, तू लेने मत जा पानी। मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था, असली कुत्ता पीछे पड़ गया, फिर एक कुत्ता तुझे घर छोड़ने आया। नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये, शांत रहा करो, तुम बता रहा हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उंगली नीचे करके बात करा करो। हाँ उंगली नीचे, मेरे दीदी के आगे आती है मुझे उंगली। ठीक है तुमने मेरा पानी जाओ, मतलब नहीं तुम हर चीज जन्म से भर दिए। उंगली उठाओगे निकलो, चल जाओ दोनों बहन। चुप रहो, एक बात बताओ, तुम दोनों बहनों ने नाक में दम करके रख दिया। एक तो हम जो है इसे कुत्ते से बचा के लाए और कल भेजना तुमसे, और अगर ना ये कुत्तों पे खप्पा दी, हमारा नाम सुक्का नहीं, हम पानी भरवा के लाए, हम उल्लू के पट्टा दिख रहे। कुत्तों पे खप्पा तुम ही खा लेना, तुम कुत्ते से कम हो। कुत्ते से कम हो, चुप रहो। सही बात कह रही है मेरी दीदी, चल कुत्ते से कम नहीं हो। एक तो बच्ची सी लगती है, वो बस तरस आया था मुझे। अब आई बेटा लाइन पे, अरे दोनों बहन जाना नेतागिरी दिखा रही थी। अब एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे पानी भरेगी, नल का सुसर हत्ता ही निकाल देता हूँ मैं, हत्ता निकाल दो नल का। दीदी तसला लेकर कहाँ जा रही हो? अरे तू क्या कर रही, तू अंदर ही रहती क्यों? मैं जा रही, मैं अकेले अंदर बैठी बैठी मैं क्या करूँगी? अरे मैं जरा घेर तक जा रही हूँ, वहाँ से वो निकाल के लाऊं अंडे, कंडे। अच्छा कंडे जी। हाँ। कंडे किससे कहते हैं? भैंस के गोबर से जो उपले बनते हैं। उबले? उबले नहीं, उबले उबले। जब तुझे पता नहीं है तो मैं क्यों समझाऊं तुझे पागल? मैं क्या जानती हूँ तुम्हें पता है, मैं कभी गांव में थोड़ी ना। जानती नहीं है तो फिर जानने की कोशिश भी मत कर। चल ठीक है तू अंदर जा। मैं मुझे भी बताओ ना कैसे करते हैं। मुझे अच्छा लगता है ये तसला, मुझे दो तुम और मैं लेके आऊँ तुम्हारे वो कंडे, क्या बोलते हैं कंडे। हाँ अब देखो मुझे भी थोड़ा बहुत सीखने दो, क्या पता मेरी शादी गाँव में हो गई तो थोड़े बहुत मैं काम तो सीख जाऊंगी, वहां जाके कर तो लिया करूंगी, है ना? सही कह रही हूँ ना? ये तो बात तेरी सही है। चल मुझे बता दो घेर कहाँ पर है? मेरी बात सुन, नहीं वहाँ जाएगी ना सीधे। हाँ तो वहाँ पर नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से इधर से होके घूरे दूर घूरे जाएगी। हाँ तो वहीं बिटोरा हमारा अपना। अच्छा तो वहीं से निकाल के लाना बस। ठीक है ठीक, कितने लेके आऊँ? भर के लियो इसे, वैसे तो मैं तो ऊपर तक चिट्टा लगा के लाती हूँ, बट जितने तुझ पे आएगा मैंने उतने लिए ही हो बस। ठीक है ठीक, जितने लियो 8-10 कंडे तो लिए ही हो। ठीक है ठीक, और ध्यान से जाइयो देवी। ठीक है ठीक। कितनी देर से घर घेर देख रहे? अरे आज पानी नहीं लेने जा रही क्या? आज पानी क्या है इसके आ रही है, याद कर रहा है कोई तुम्हें? हाँ लगता है मेरी फ्रेंड मुझे याद कर रही है। अच्छा हाँ तो वो जा रही थी, वो क्या कहाँ जा रही हो? कंडे। हाँ कंडे, अब याद आया मुझे, कंडा लेने आ रही हो? कंडे कहाँ जा रही हो? कंडा लेने।
अरे वहाँ घेर पे जा रही थी, इतनी देर से घूम रही हूँ, मुझे घेर ही नहीं मिल रहा, भूल गई मैं तो। अरे दीदी ने कहा था वह पीपल का पेड़ है और वहाँ किसी चीज में कंडे रखे हुए हैं। अच्छा वो किसी में से निकाल के लिए आई हो? अरे वो किसी चीज में नहीं, वो बिटोरा में रखे हुए हैं। बिटोरा? बिटोरा तुम्हें मालूम नहीं है? ऐसा है तुम भोली भाली, मेरे साथ चलो, मैं कंडे लिपा के लाता हूँ। चलो सच में दिलवा लाओगे? और किस लिए खड़ा हूँ, चलो ना। ठीक है तो मैं चली जाऊंगी। क्या चली जाओगे? जाओ, पांच कुत्ते खड़े हैं आगे, कारे मोहन के बड़े मोहन फर रहे हैं। जाओ पांच कुत्ते जाओ। नहीं नहीं सारे ऐसे ऐसी जगह खाएंगे तो टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। सच में यहाँ ऐसे भी कुत्ते हैं? नहीं तो ऐसा करो फिर तुम साथ चलो। क्या देखो मैं लेके तो चल रहा हूँ तुम्हें, पर वायदा करो मुझसे ना तुम मेरे साथ शादी करोगी। शादी? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। और क्या घमार से, कैसे तो तुमने कपड़े पहन रखे हैं। नहीं नहीं करनी, ठीक है ना। इधर जाओगी तो अभी अभी कुत्ते आ गए, अपनी कुतियाओं को साथ लेंगे। हाँ कुतियाओं को साथ लेंगे। कुतिया कारी कारी कुतिया क्या क्या चाहती हो अब, तुम शादी करोगी नहीं करोगी बताओ पहले। अरे मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमने अपना हुलिया भी देखा है तुम्हारा, ये क्या हुलिया है? अरे मेरा हुलिया छह लंबी लंबी धोती कुर्ता। अरे हमारे शहरों में ऐसा कोई नहीं पहनता, मैं तो जा रही हूँ वापस। ठीक है जा, वो खड़े हैं चार कुत्ता खड़े हैं देखो, और कुतिया और खड़ी होगी क्या? कुतिया जा जा जा, इधर जाओगी तो चार खड़े, इधर खड़े तो पांच, और दोनों तरफ कुत्ता खा जाएंगे तो मैं क्या बचा रहा हूँ। इधर भी कुत्ते खड़े हैं क्या? क्या सच में? अभी निकले हाँ। अगर मैं इधर गई तो भी कुत्ते पड़ जाएंगे। हाँ और इधर गई तो भी, अब बताओ राजी हो जाओ तो फिर हम तुम्हें निकलवा के ले जाएंगे। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि शादी के बारे में। हाँ ठीक है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। वादा करो? हाँ वादा कर दिया। वादा कर दिया? हाँ वादा कर दिया। ठीक है तो अब मुझे कंडे निकलवा लाओ तो फिर। अब निकलवा के ले आओ, अब तुमने हमसे कही है शादी, अब तुम हमसे शादी करोगी। अब देखो कंडा कैसे निकलवा के लाता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। हाँ चल चल। अरे आओ ना आओ। चलो कितनी दूर है? देखो जी आगे जेरे बिटोरा जेरे, देखो ये तुम्हारी दीदी का है, ये पप्पू का है, ये वो उसका है, अरे हनुमा का है। हाँ जी सब बनेंगे बटोरा। अरे ये बताओ जी जी किस चीज से बनाया है, है क्या चीज ये? कोठरी सी क्या गोल गोल क्या है जी? ये बने हैं गोबर से, भैंस का गोबर जो होता है। भैंस का गोबर? हाँ गोबर कैसा होता है? गोबर कैसा होता है? हाँ? अबे भैंस जो टट्टी करती है उसे गोबर बोलते हैं। टट्टी? छी 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 कर रही हो, और रोटी जो खाती है उसमें बनी है वो जला के। दीदी ने मुझे टट्टी के कंडे बना दिए। अरे तुम्हारे शहर में टट्टी कहते हैं, हमारे शहर में गोबर कहते हैं ऐसे। अच्छा अच्छा हाँ ये हमारा एक शहर ही है, गांव से हमारा, हम तो अपने शहर ही मानेंगे तो इसे गांव का वो जो गोबर है गाय का। तो अब तुम देखो ऐसा करो, इसमें जाओ घुस जाओ और निकाल लो कंडे। घुस जाओ? जाओ इसमें कैसे घुसूंगी मैं तो? जाओ। अरे मैं इसमें घुस गई तो मैं तो दब जाऊंगी, मर जाऊंगी। हाँ उस गेट को खोल के छोटा सा झोंक के अंदर जाके तब कंडे निकालने पड़ते हैं। और इसमें एक और लूत है, इसमें ये लूट है कि इसमें फनिया सांप हो रहे हैं। हाँ? अब जाओ निकाल के लाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो इसके पास भी नहीं जाऊंगी। जाओ 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 जाओ। अरे मैं तो घर जा रही हूँ वापस। जाओ कुत्ता खड़े हैं, कुत्ता खड़े हैं, मैं फार फार के खा ले उसको। फंस गई? नहीं नहीं अरे तुम ऐसा करो ना, उसमें से तुम्हें ये कंडे ला दो ना मेरे लिए। तो हाँ ठीक है हम निकाल ले आएंगे, पर एक बार शादी तो करोगी ना? हाँ पक्का करूंगी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। पक्की बात बताइए। हाँ, अगर नहीं करी तो यही सांप और कुत्ता तुम्हारे पीछे छोड़वा दूंगा। नहीं नहीं तुम कंडे ला। ठीक है ठीक है मैं निकाल के लाता हूँ। ठीक है ठीक। ये लो। हाँ? ये लो भाई बड़े भारी बने, पकड़ो इसे। ये कपड़ा? अरे इसे ढक्के लेके आया हूँ। हाँ इसमें अंदर बिछा बिछा के रखे लाया और इसमें कपड़ा डाल लाया, सही है ना? अच्छा अब इसे चश्मा हटाओ और ऊपर रखो इन्हें। चश्मा हटाओ चश्मे को। अरे क्या है मेरा चश्मा क्यों ले रहे हो? क्यों? मुझे चश्मा लगाने की बहुत आदत है। अच्छा मेरा चश्मा मुझे लगा दो आंखों में, इससे और जल्दी काटेंगे मेरे कुत्ते। क्यों? हाँ यही तो हमारे गांव कुत्तों गांव की खासियत है, इसीलिए तो हमारे गांव में तुमने अभी तक कोई चश्मा लगाते हुए देखा? तुम्हारे दोस्त है तो मुझे कुत्ते खा जाएंगे। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, चलो चलो। अरे ये हाथ में कैसे ले जाऊंगे? अरे ये तो बहुत वजन है। चलो 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 चलो।
चलो अब थोड़ी दूर की बात है। मैं तो बहुत पजन है। अरे रुको बहुत तसल्ली करो। क्या बात है, क्या बात है? काले हमारी शादी होने वाली है, कहीं ले यार। तुम्हारी शादी हो रही है? पहले तसल्ली करो। अरे मेरी बात तो सुना। अरे सुनो, मेरा जुगाड़ लगा दो कहीं। जुगाड़? ये जुगाड़ ये जुगाड़ क्या होता है अब? अरे जुगाड़ ये होता है शादी हमारी भी हो जाए। अरे तुम्हारी तुम्हारी क्या जी? तुम शादी करना चाहते हो ना? अच्छा पहले ये तसला रखो, वजन बहुत है। तो फिर बता सहेली से। अच्छा रखो रखो। देखो मेरी एक सहेली है, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं, और क्या इतनी खूबसूरत है, मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगी। करा दोगी? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात। देख लो मेरी शादी तो इनसे तय हो गई है ना। इनसे? हाँ। बेकार से आदमी तय कर लिया। बता दो यार, तुम्हारी तो और भी सुंदर है। अच्छा हाँ चलो ठीक है, तो फिर चलो। अब चलो मेरे कंडे घर तक। चलो 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 चलो। ओ दीदी दीदी, अरे ये बता, 2 घंटे हो गए तुझे, मैं तुझे पूरे गांव में देखी, तुम मिली नहीं थी, और इन दोनों लंगूरों के साथ क्या कर रही है? ए लंगूर किसको बोल रही हो? तुमसे ही बोल रही हूँ। तू पागल है ये? और ये चश्मा लगा के कोई आ रहा है, कोई तसला धर के ला रहा है। मेरा चश्मा मुझे दो, गंदा कर दिया। और ये इसमें कंडे लेके आई है? हाँ दीदी इसमें कंडे। उतारो अब। अरे उतरवा, मेरी गर्दन दुख रही है। दीदी पहले ये कंडे रख कर आओ, नीचे रखो। ये लो डंडा पकड़ो। मुझे ये बताओ, तू इन दोनों लंगूरों के साथ कर क्या रही थी? अरे दीदी मैं तो कंडे लेने गई थी, पता मेरे पीछे कुत्ते फिर से पड़ गए। अरे जब तक ये दो कुत्ते इस गांव में रहेंगे तो कुत्ते तो पड़ते रहेंगे पीछे। चुप चुप, हमने बचाई है, है? एक तो बचाई है, और देख मैं बदन ढोके लाया हूँ। मेरी तय कर दी, बोले सहेली से कराऊंगी, इनने यहाँ से तय कर ली। अच्छा तेने शादी करने के लिए बोल दिया है क्या? अरे दीदी वो ना बटोरा, मैं भूल गई थी तुम्हारा जो बटोरा। तो शादी के लिए बोल दिया है? हाँ दीदी हाँ। ओ अच्छा समझ गई मैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अब तुम जाओ हमारी जाओ सहेली से। हाँ हाँ करा दूंगी, करा दूंगी। हाँ बुड्ढे कमर में पैर लटके पड़े हैं। चल कैसे कह रही है? नहीं तो हमारे अब्बा भी बुड्ढे ना। आगे नहीं है, मैं उसे बुला लूंगी फोन करके। जाओ जाओ तुम मुझसे मिलने, ठीक है? शाम को बाग में मिलेंगे। हाँ ठीक, मगर देख लो आशिक। ए चुप हो जा, राजा मत बनियो। ए राजा मत बोले, बहुत बोल गई है। बात बता तू मुझे, तू इन पर कंडा रखवा के क्यों लेके आई थी? अब तुम्हें नहीं मिलने थे तो मेरे पास आ जाती। अरे दीदी मैं तो वापिस ही आ रही थी, लेकिन फिर ये मिले के कह रहे थे 4 कुत्ते पीछे खड़े, वो मुझे खा ली। दीदी मैं डर के मारे फिर मैं कहीं नहीं गई, मैंने कहा फिर मैंने बेवकूफ बनाया। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ बेवकूफ बना के इससे कंडे निकलवा लिए, कम से कम कंडे तो निकलवा के लिए चलूँ। वैसे ये इसी लायक है। चल सही करा तूने जो भी किया, चल आ मेरे साथ। ठीक है चल। अरे कहाँ गए? अरे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ बोलो। वो कहाँ है हमारी होने वाली बीवी? बुलाओ उन्हें बाहर। अच्छा और तुम्हारी कौन थी? अरे हमारी साली की दोस्त है वो। अच्छा साली की दोस्त है, उससे शादी करो। तुम्हारी साली है वो? हाँ साली है। अच्छा यानी कि उसकी कोई दोस्त होगी। हाँ, तो तुम्हारा रिश्ता तय करा दिया। हाँ, वो अपनी सहेली से उसने तुमसे कर लिया है। उससे कर लिया है? कब की डेट वादा भी करके गई है वो? ऐसा है आज तो आज की डेट रखी थी कि आज से हम तारीख छटवा लेंगे, कब का विवाह निकलवाना है, तो इसलिए उसे उन्हें ले जाने आया था। मैं पंडित जी को दिखाऊंगा। एक काम करो, अगर उससे शादी करनी है तो उसी के ससुराल चले जाओ, उसका हाथ मांगने। ससुराल? ससुर? और क्या मतलब, वो शादीशुदा थी? शादीशुदा, एक बेटा उसमें 2 साल। मम्मी मम्मी नहीं, अब निकलो यहाँ से। और सुनो तुम्हें पता उसका पति कौन है? कौन है? कौन है? पूछो कौन है? कौन है? उसका पति डॉक्टर है, और तुम जैसों को रोज चीड़ फाड़ करता है, समझ में? और ऐसा इंजेक्शन लगाता है जो दुनिया से उठ जाते हैं। मतलब कि हम तो उल्लू पट्टा रहे कि हमने नल में से पानी भरवा के लाए, हम कंडा निकलवा के लाए बटोरा में से। और तुम उससे पूछ के लाए, और हम सर पे ढो ढो के लाए। अरे तो गागा ढो रहे, कंडा ढो रहे। अरे बता हे भगवान, मुझे तो एक बात बताऊं, जिस दिन तुम पैदा हुए होंगे ना बहुत मनुष्य घड़ी हो, समझ में आ गया? ऐसा सुनो, मुझसे पूछ के नहीं करे ये सारे काम, और ऐसा जिस पांव आए उल्टे पांव लौट।
जाओ, चलो निकलो यहाँ से, चलो कुछ ना करो, जाओ कुआं पोखरा में गिरने जा रहा हूँ मैं। हाँ वही मर जाओ, जाके इल्जाम लगाओगे तुम। अरे यार तीन से तो लगेगी।